पाकिस्तान अजीम बनेगा, अजीम अजीम बनेगा। मैं जब ये बातें कर रहा था तो ये इस तरह हो गया। शाहों पे उंगलियों के निशान तुम्हारे देखता हूँ। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका फनी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन के चौथे पार्ट में। आज के इस पार्ट में भी हम आपको कुछ पाकिस्तानी पॉलिटिशियन से मिलवाने जा रहे हैं, जिनकी हरकतें नेताओं वाली नहीं बल्कि कॉमेडियन वाली हैं। सबसे पहले मिलते हैं मरियम नवाज से। इनकी हरकत से तो पूरा पाकिस्तान वाकिफ है। इनकी रैलियों में लोग इन्हें सुनने नहीं बल्कि दो कामों के लिए जाते हैं, एक तो इनके हुस्न को देखने के लिए और दूसरा बिरयानी खाने के लिए। इस वीडियो में ये मोहतरमा मीडिया वालों से बात कर रही थी, लेकिन इनका पैर फिसल जाता है और जैसे ही मोहतरमा नीचे गिरती है इनकी चीख निकल जाती है। ये वादा करती हूँ कि मैं ऐसे तो ये मोहतरमा किसी महारानी से कम नहीं है, लेकिन जब इस महारानी से सवाल पूछा गया तो ये कहती हैं कि पता करके बताऊंगी। आपने बना दी हालत मुल्क की, ये प्लीज ये वो किस लिए बना, सबको राजी कर रहे हैं, करके बताऊंगी। लगता है कि मीडिया वाले का सवाल आउट ऑफ सिलेबस था। इनसे कुछ लोगों ने सवाल किया कि महंगाई क्यों बढ़ रही है। इनका कहना था कि महंगाई जब बढ़ती है तो हम उसमें शामिल नहीं रहते हैं। मैंने ये बात बड़ी कैटेगोरिकली कही है और मैं दोबारा ये बात कहती हूँ कि जब कोई भी तेल की बिजली की कीमतों को बढ़ाने का कोई डिसीजन आता है, मैं उस डिसीजन को सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि मेरी पहली जिम्मेदारी जो है वो आवाम की तरफ है। भले मेरी अपनी जमात की हुकूमत हो या इत्तेहादियों की हुकूमत हो, मैं इस डिसीजन को ओन नहीं करती। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये महंगाई आसमान से उतर रही है। ऐसा नहीं है कि केवल इनकी हरकत ही ऐसी है, बल्कि इनका लड़का भी लंदन में फर्जी डिग्री के मामले में जेल में बंद है। भैया लगता तो ये है कि ये खानदानी लुटेरे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं इनके चाचा की कुछ वीडियोस। वैसे आजकल इनके चाचा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। यहाँ पे दुनिया के कई सारे प्रधानमंत्री मौजूद थे और ये सब के सब कुछ न कुछ खा रहे थे, लेकिन इनमें से किसी को ये नहीं पता था कि शहबाज शरीफ भी यहाँ मौजूद है। यहाँ सभी खा रहे थे लेकिन शहबाज शरीफ किसी लस्सी मांगने वाले की तरह पीछे खड़ा था। तो फिर इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना इन्हें भी पूछ लिया जाए और फिर बोला चल भाई तू भी खा ले। इनका कहना है कि ये जहाँ भी जाते हैं लोग इन्हें मांगने वाला ही समझते हैं। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए, टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे, और हम इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। यहाँ ये भाई साहब आए थे पुतिन से मिलने के लिए। मीटिंग में इन्हें एक माइक मिल गई और फिर ये उसके साथ खेलने में लग गए। इनकी हरकतें देख के पुतिन ने अपनी हंसी को बहुत देर तक कंट्रोल किया। Уважаемый господин премьер-министр. Инку ата ему. Get somebody help me. Инку ата ему. शहबाज शरीफ एक ऐसे लीडर हैं जब ये बोलते हैं तो भूचाल आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, माइक थर थर कांपने लगते हैं। इनके बोलते ही माइक का गिरना ये बात बताता है कि पूरे दुनिया में इनका खौफ है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि शहबाज शरीफ खुद ही कह रहे हैं। जब ये बातें कर रहा था तो ये इस तरह हो गया, पूरी दुनिया अलर्ट हो गई कि ये पाकिस्तान के अंदर अगयाद की भीख को खत्म करने की बात हो रही है। इस वीडियो में शहबाज शरीफ लोगों से कह रहे हैं कि हमेशा आपने हमारी मदद की, मैं जब आया हूं तो आप समझेंगे कि शायद मैं मांगने आया हूं। मैं मांगने नहीं आया हूं बल्कि मजबूरी है। जरा आप भी देखिए इनकी ये वीडियो। आपने हमारी मदद की और मैंने यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। हमारा जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ ऐसा आप हाथ बटा दें तो मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गिराएंगे, अपने पांव पे खड़े होंगे, इंशाल्लाह जरूर खड़े होंगे। दोस्तों पाकिस्तान का हाल तो ऐसा हो चुका है कि वहाँ दो वक्त की रोटी के लिए भी लोग तरस रहे हैं। इसीलिए यहाँ के प्रधानमंत्री लोगों से कह रहे हैं कि वो अपने कपड़े बेच के आपको आटा मुहैया करवाएंगे। यही कीमत मैं दरख्वास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें, नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इनके कपड़े कितने महंगे हैं कि इनके कपड़ों के बेचने से पूरा पाकिस्तान खाना खा लेगा। अब हम आपको मिलवाते हैं मरियम औरंगजेब से। ये मोहतरमा ऐसी हैं कि इनकी जितनी भी बेइज्जती करो कम है। जो हमारे दौर में जिसको आप चोर कह रहे हैं, हमने डाका डाला। हमने चोरी की।
हमने जाली बिल कंप्यूटर पे बनाई। आजकल इनकी ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। दरअसल ये लंदन गई हुई हैं। मोहतरमा लंदन में मौज कर रही थी, लेकिन ये लोगों के हत्थे चढ़ गईं और लोगों ने इन पे जम के अपनी भड़ास निकाली। ये बेशर्मी, ये देखे बगारती, देखे आप बगारत, देखे बगारती के हाथ, देखे आप पता है क्या, ये लोग है ही बगारत। इन्हें देख के तो ऐसा लगता है कि शायद इन्हें बेइज्जती का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है।